हेलो जी, राम राम जी, गुड इवनिंग जी। सारे ने और सारे ठीक हो? हम बिल्कुल ठीक ठाक हाँ जी। और ये देखो श्री भाई है और इनकी ड्रेस देखो, कोई न्यू भी आया करे। रिलैक्सेबल है, रास्ते बदली है मैंने। क्या परी यार, फिर लेके के पहन रहे पता ही नहीं। मैं भी कोई आकर आन जान में तो सुथरे कपड़े पहन लो। अरे रिलैक्सेबल होने चाहिए, सुथरे सुथरे कम को ना। हां ढीली हो जाएंगी। पहन लो पहन लो, की जो की पहन लिया कर। और नागरी आपने दिखती होगी, बना ली यार, मैंने भूख लाग रही है। ज्ञान गुण सागर बाज गए इनकी। हेलो, ना ना फोन करना पड़ेगा। किसी बात ना फिर व्हाट इज दिस, कोई आईडिया नहीं लग गया मुझे। मेरे ना कुछ दबा है इसमें, की है ये मित्र स्कूटी के वो है शीशे। ओ ठीक, इसमें की है, इसमें तेरी चीजों तिल्ला कुल्फी है। अच्छा चलो एक और बात, ये बात बताइयो तेन, मैंने बना रहा है क्या आपकी मनपसंद सब्जी? करेला। देखा ले, खा ले ये बता, रोटी खाई पिछा खावा ही इतने थी। ये बोले ये खत्म सारे के ले रहे हो, कुल्फी खा लो जी। ले बा सारे आन बात कर, तेरे पापा ने दिया समर। ये मेरे टाइट हो रहे थे के कुर्ते पजामे, तो मैं कल ये पकाऊं थी का आ जाओगे तो टाइट हो गए थे, तो मतलब उसका आ जाएंगे और आ गए ना, तो किससे आ गए? ओ मेरे यार ने तो ये मेरे तेरे यार ने तो फाड़ दे हो यार। देखियो जी, इन दोनों अन देखियो, देखो दूसरे वाला कितनी पतला हो रहा है सबर का पापा ते। बता आप कद हो गए पतला को ना होना? ले क्यों क्यों जरूरी पतला मैं दूं, इतनी देर में तो टपक जाएगा। और पतले बनना हो इसके जो लगते छोटे हो जाएंगे बाकी काओगे वे। यस का है, यस का ही बना है ये भाई, यस का नाम है छोटे ना। हमारे घर ने है ना जी, न्यू मत सोचियो किस तरह खा मैंने, है न्यू मजा आया कर खाने में। हमारे घर ने दो तरह की तीन तरह की आइसक्रीम आया कर, तो हम जो बड्डे है ना वे तो ये तिल्ला कुल्फी खाया कर, जो बच्चे है ना वे कौन खाया कर। देखा तो जा है बढ़ते लेके घर का ही है ना, केक ऊपर ऊपर की परत कह ली तुम नहीं, बस चुशी भी ना मेरे जगह दिन नहीं चली सारे बड़ा का कोट सर, मैं के बट की सारे बड़ा तन मार ली तेरा मुंह देख ये कोट सर बड़ा कोट सर। तुम बड़ा सुई का बड़ा हो गया है, तू तो कहता दादा भी बड़ा हो गया। इनका तो एक दिक्कत है इनका, इनकी मेरे के बात से बड़ा भाई तो बड़का तो नहीं छोटा हो की वो ला रहा है पतला हो मैं अभी वो मोटा हो मैं कम से कम बड़ा दिखूंगा घर में ना, वो तो है ना सही हो रहे हैं। देख घना मोटा तो कौन है, वजन घना है घटा लिया मैंने। हाँ पहले ने देखे घना है घटा लिया, एक महीने के अंदर और ज्यादा कम हमारे घर में और चल रही है जी कती पापा तो फरी है कती नहीं घटा हुआ भाई, मैं भी ना घटाती थी ठीक है तो रोटी भी छोड़ दे। हाँ मैं तो राइटिंग कर रहा है खाऊंगी, मैं तो वो खाऊंगी सारे हम चुची हो रही दूध है दही बिनो गला मत ना घटा। मन्ना जी अपने गले की प्रॉब्लम थी ना उसके लिए खाना देना ना, डॉक्टर ने कम बताई थी, मैं तो रोटी खाने में कही थी जो चबा के खाई जाना मैं चीजें खाओ समझ गई। मैं एक टाइम खाना खाऊंगी, मैं वो जी सच्ची ही मारे करना, मैं कती कुछ नहीं छोड़ती कि मैं थे जाए वही खाने। दो दिन और पहले बैठे हुआ कोर भी उड़ा के ले जाएगा
ठीक है जी, कुल्फी खा ली। फिर आप इतना नहा लो तो एक भूख लाग रही है बढ़िया वाली। मैं तो यूं ही वेट करूं थी, मैं मर रही हूँ भूखी और इनका सिंगार नहीं होता। देख लो सिंगार में ठीक है, दो डब्बे तो पानी गिर रहे हैं ठीक है। मैं जबकि वेट मां दे लो ते पैर के बैठ के तो और क्या सिंगार में लिपस्टिक लानी जेंट्स का ये सिंगार हो रहा है इनकी। ये तो ना हो, ये बाल्टी पसंद सब्जी बना रखी है, बाल्टी भर के पूरी दे। आप आधा दी बाल्टी में खड़ो पुट्टा और बिला बड़का मामा मोटा। हां आप वो करा तो पिपी कर रखी है जी हमने एक। ठीक है मतलब की होगी कितने लीटर की होगी वहां दस एक लीटर की तो होगी। हाँ दस लीटर की, तीन चार लीटर की, पांच लीटर की पिप्पी और ना पांच लीटर की तो होगी है। उसने ना भर भर के गिरेंगे, आधे सूखे रहेंगे आधे आले हो जाएंगे, फिर गिरेंगे फिर गिरेंगे, इतने तुम्हारी दो तीन बाल्टी भर जा। और देखो जी मैं तो वेट करूं थी, अरे खान भी लग गए, मतलब की चलो ठीक होया मैंने दिखा दिया, मतलब की मैं भूखी मरू थी। मैंने रोटी बनाई जबकि भी मशीन भी चला रही थी, ना क्लिप ना का दे रही थी, मैं वेट करू थी वे आवे और देख खान भी लागे। मैंने बहरा थी क्या सब्जी देखे पीछे कती नहीं रहे आ जा। अरे देख लो ये रुके भी कौन है, गलत बात है ना, बताइयो कमेंट में। रोटी से नहीं धरी और फिर उनकी बात देखे है बावड़ी। रत आप खा लो, मैं क्लिप काट लू। खा ले ना, मैं ना खा, मैं खा ले। खा ले मेरे बीच में क्यों चटबाव है? ओ ये छोटे की शुरुआत कर दे रही, छोटा ये बकवास कर रहे हैं। वाह वाह लगाई ना उन्होंने खतरे बीच में छोड़ने के लिए, मैं ना खाता इतने। हाँ फिर यहाँ खाना लगा, ये तो टेस्ट कर रहा नहीं, यहाँ खा किसी की बढ़ रही है ना। ठीक है जी खाना खा लिया फिर मिला। हेलो जी, राम राम जी सारे ने, और सारे ठीक ठाक हो जी? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक जी। और अब टाइम हो रहा है शाम का, 7 बजे के करीब का टाइम हो रहा है, और मैं सो गई थी जी आके, और जब उठी हूँ ना तो घर में कोई भी ना, सारे घूमन जा रहे हैं, और मेरा इतना जी दुखी पाया जब मैं उठी हूँ। जब वैसे ना मैं दिन में सोया ना गुरु जी, लेकिन बस आज वैसे ही सो गई मैं, और फिर लाइट थी वह ठंड हो गई अंदर तो इसलिए मैं लेट गई। तो अब मैं जब उठी ना और मैंने खोली तो है ना घर में कोई भी ना, और फिर तो मैंने फ़ोन कर लिया, आइडिया लगा लिया कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, तो सारे घूमने जा रहे हैं, बच्चे भी, सोनल भी, उनके पापा भी, तो और मम्मी बाहर जा रही होंगी कितने बैठी होंगी, तो मतलब कि के बताऊँ जिस तरह के तो बाहर देश में नहीं आ जाया कर, परिवार तो अलग होया अगर ऐसा सा फील होया एकदम ते कि घुटन सी महसूस हुई कि हाँ भाई मैं कहाँ हूँ। और देख मैं ना वो पंखा चलता छोड़ा है, पहले मैं बाहर अंदर लेटी थी, पहले मैं अंदर लेटी थी फिर मैं यहाँ बरामदे में आ गई, पंखा चला लिया, यहाँ भी मेरा मन नहीं लगा, फिर मैं बाहर गई, फिर मैं कह दे तो आऊँगे जब आऊँगे, चल तब तक व्लॉग बनाऊँ मैं कह, वो तो कम तक कम व्लॉग देखनी तो साथ है। तो जी दिन में तो इन्हें डाल दिया, हाँ अखबार रफ्ती रुफ्ती आवे, लेकिन है ना ये शाम नहीं है, हटाने पड़ेंगे क्योंकि अंदर आवाज चली जाना तो फिर बमकी मिले। और मैं अपनी सब्जी वब्जी देख लूँ जी, और के है वे तो अपना करके जा रहे होंगे शायद दूध दाद का, ये मिठाई आ रही है किसके तार, ये है लड्डू जलेबी है, इसमें के सब्जी रखी भाई, सब्जी रखी है घी हमारे फ्रिज में है ना जी, लाइट नहीं इसका बल्ब खराब हो रहा है, और यह घी रखी है, और मेरा जी कर रहा है यो कचरा खान का, सब्जी ने बाद में संभालूंगी, पहले काटू मैं कचरा, कर पूछा भूख भी लाग रही है, और जी ये तो दिन में काट कूट ली है, दिन में मैं उठती नहीं, हाँ दूध दाद का तो करके जा रही है, ये देखो बर्तन बर्तन सिंक साफ है, बर्तन कर रखे हैं, सारा सब कुछ साफ है,
वही है कि मैं मरा रही हूँ, चक्कू नहीं मिला भाई मैंने, चक्कू तो मिल गया मिल गया मिल गया। मैं ना तो अड़कस कर जाऊं है मैं और ना केक नहीं काटेगी, केक नहीं काटेगी, लेकिन काट लू, भूख लग रही है जबरदस्त। मैं भी डोली रख के यहाँ कोने में घी वाली और आपने बिठा दूंगी ऐसे, भाभी दिख जाओगे और मेरा कचरा भी कट जाएगा। कसुते मीठे हैं जी वहाँ डिगल, मतलब कि पहले किया खेता में भी रखे हैं, लेकिन वे है ना पेटा के रखे मैं रखे न, और वहाँ भी लिया मैं चौक पे, वहाँ तो लेकर आई थी मैं ले, ये मैं लेकर आई थी 5 किलो, ये थे 100 रुपये किलो, पहले मैंने 100 के ही लिए थे, फिर वो निबला जी चाक के देखो मीठे हैं, फिर मैंने चाक के देखे तो ये मीठे पाए बढ़िया, फिर मैं कह लो भाई 200 एक कर दो सीधे, और ठंडे होने के बाद तो बहुत टेस्टी लग गए हैं जी। और प्रताना श्री यूं कहे थे कि हमारे यहाँ तो 100 के 5 किलो हैं इसार में, फिर मैं आप ले आई हो भैया अंत उस दिन और के हो बल्कि मैंने तरबूज इतना अच्छा ना लग गया करें जितना वो खरबूजा अच्छा लग गया, खा लूँ वैसे गया ना बात मैं संभालूंगी, 2 गिया हैं यूँ सोचू हूँ कोफ्ते बना दिए तो भाई फिर वही बात है कि वे कोफ्ते खाना खाने में जाएंगे 2 गिया के है ना, सब्जी बना दी तो उन्हें बच्चे नहीं खाओ गिया की सब्जी, कोफ्ते के न खा लेंगे लेकिन गिया की ने ना खाए, एक तरह का सलाद सा इसका चाट सा बना लो आराम से बैठ के खा लूंगी, जो मेरा तम सा घुट रहा था कहा भाई परिवार नहीं है मैं अकेली हूं तो ये अकेला अपन खत्म करूंगी मैं खरबूजा खा के, फिर खाने में ध्यान हो जाएगा मेरा, फिर मैंने यूं ना लग गया कि घर पर कोई ना है, पता है जी मेरे जागते जागते चले जाना जब इतना वो ना होता, लेकिन है ना जिस तरह बुट्ठी और जब ना पाया ना कोई एकदम से जब ये हो गया है कि हाँ भाई कि वो फोक नहीं पावे पता ना कहाँ पाऊंगा, आप थोड़ी सी पेट पूजा फिर कान पूजा, आ जाओ जी खा लो आप भी, मैं खा लू हूँ मैं है? फिर बात करूँ, हो गया जी फाइनल हो गया मेरा, मैंने यूं ही सोची मैं कहा वही बात है सारी चीज पड़ेंगी मसाले पड़ेंगे गैस खराब होगी सब्जी लग गई तो क्यों नहीं सी चीज बना दो जिससे बच्चे खुश हो जाए, तो वो खुशी है जी उनकी किस्में कोत्या में। और अब है ना मैंने जब वो कचरे खाए ना जी तो सच बताऊ मैंने मेरी एक फीलिंग आ गई, कौन सी फीलिंग आ गई, जब हम छोटे थे ना तो एक गांव है लुक्शर और वहां पे हमारी क्या रिश्तेदारी थी, मेरे क्या था बहुत बड़ा परिवार बहुत ही ज्यादा, शायद वो 3 या 4 भाई थे और सबकी फैमिली इकट्ठी रहे करती जी, और वहां पे है ना कोई लुक्शर का देख रहा होता कमेंट करके बता दियो कि हाँ ये सच्चाई है या नहीं, वहां पे ना एक कचरे वचरे ज्यादा बोया करे बहुत ज्यादा, मतलब कि यू था कितने खाओ छिक छिक के टोकरे भर भर के और यू मतलब ट्रेली भर भर के यू उतारा करते उन पर, मतलब बेल होया करे ना तो उन पर यू तोड़या करते, और पहले बच्चे ने कौन यू कहा करता कि धूप में मत घूमो तो बहुत बड़े घूमया करते, और जब वो जो मेरे पापा की बुआ थी वो हमने ले जाती और हम भी कितने ये नहीं कि भाई हम हमारे भी चाचा ताऊ जितने भी थे यानी 2 दादा हैं तो उनके बच्चे जितने थे उन्हें सब ले जाते, किसी ने यू भी डर नहीं रहता कि भाई इनके बच्चे गुम हो गए तो कहां से दोगे है कोई मतलब ही नहीं, और वहां जो हमारी चाची ला गया करती ताई ला गया करती चाची ला चाची तो एक ला गया करती और सारी ताई ला गया करती, मेरे पापा तो बड़े थे वे उनके बच्चे हमारी एज के थे तो
भाई चले जाते, तो जिस तरह की वे खेत में जाती है ना, जब उनके साथ खेत में जाते तो वहां बहुत बड़ी खेल बन रही थी पानी की, उसमें पानी चलता रही करता। पहले तो वो चाची ताई और भी अपने कपड़े वपड़े धोती वहां बड़े बड़े, और हम बच्चे सारे नहाए जाया करते उसमें, नहाओ फिर खेलो, खूब बड़े बड़े प्लॉट थे और फिर कचरे खाओ, मतलब कि आज वो फीलिंग है ना इतनी माइंड पे है मेरे कि बस पूछो मत, मतलब वो चीज तो आप देखने मिलती है ना जी कहीं भी, और मिले भी नहीं, खत्म होगी वह तो बस मिले भी नहीं। यूं देखो आज अगर हमारे पास किसी का बच्चा आ जाए ना, तो हमें हमेशा ये डर रहेगा हाँ इसका चोट ना लग जाए, यूं कहीं गुम ना हो जाए, या भाई बाहर ले जाते हुए अंदर, हमेशा हमें एक डर रहे है। लेकिन देख लो कितने के बच्चे, और फिर पता है क्या होता है, जब शाम होती ना उल्टे चले जाते घर पे, तो उनका आंगन था ज्यादा बड़ा भी ना था, छोटा ही था, उसमें भी चार चूल्हे डलिया करते, एक उधर एक उधर एक उधर एक उधर, फिर सब अपनी थाली ले ले, प्लेट तो उन पहले थाली बहुत होया करती, तो थाली ले ले अपनी बैठ जाओ, अगर उस वो खाली है तो उसके पास चले जाओ, वो खाली है तो उसके पास चले जाओ, के मजे आया करते। फिर खाना वाना खा के, अरे ना कोई काम करनी हो, लोग था जी कि किसी बच्चे तो कोई काम ना, खाना वाना खा के और फिर आ जाता सोन का टाइम, तो फिर छत पे बिस्तर ये जो बनाया करना, यू भी नहीं चार पाई है फोल्डिंग या कुछ भी ना, सिर्फ जमीन पर लगा लो बिस्तर, सारे सोया करते कि मजे आया करते जी बहुत ज्यादा। वे फीलिंग तो है ना ये, मतलब कि आती है ना बस। और उनके भी यू देखो, हम तो एक रिश्तेदारी में तो जा रहे थे, उनकी खुद की रिश्तेदारियां मत भी कितने बच्चे आते होंगे, तो मतलब काउंट नहीं कर पाया करते, इतने बच्चे आया करते, सब ताई खाना खिलाना और भाई हर एक चीज प्रोवाइड करवानी, बहुत मुश्किल होया करता जी, बहुत मुश्किल। लेकिन नेचर इतना अच्छा था, बहुत ही अच्छा, हमारी वो जो दादी थी ना जिनके साथ हमारा रिलेशन था, यानी मेरे पापा की बुआ, उनका नाम था धन्नू, और वहां पे बहुत हम जो कहे हमारे पापा भी बहुत रहा करते बड़े बहुत ज्यादा, और हम भी जी मतलब कि इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा नेचर, और भाई जो मतलब ये बात है ना, आज हम इतने बड़े बड़े हो लिए, हमारे भी बच्चे हो रहे हैं, हमारे बच्चे दसवीं ग्यारहवीं में हो रहे हैं, और जब हम इतने छोटे छोटे गए थे तो आज भी हम है ना वे बात इतनी याद है, काश वो टाइम लौट का आ जाए, लेकिन नहीं बस गया गया, इसलिए तो इंजॉय कर लो जी जहां पर भी हम है, बच्चों को भी करने तो अपनी जिंदगी जीने दो ठीक, और हमने तो बल्कि ये टच में रखने भी चाहिए, अच्छा भाई हाँ ये रिश्तेदारी है बतानी चाहिए ना, तो इतनी लंबी रिश्तेदारी थी किसके याद रहे है नहीं। लेकिन अगर आज भी वही मौका मिले ना कि वही सारे बच्चे इकट्ठे और सब ने जाना हो, तो मैं मौका छोड़ू नहीं।